नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि भारत के स्वदेशी ट्यूब लॉन्च लॉयटरिंग म्यूनिशन को लेकर आ रही है। दोस्तों बंगाल एरोबेस प्राइवेट सेक्टर कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज अब अपने ट्यूब लॉन्च लॉयटरिंग म्यूनिशन का पहला टेस्ट करने वाली है। इसका वजन 7 किलोग्राम है और इसकी रेंज 30 किलोमीटर है और इसका एंड्योरेंस टाइम 60 मिनट का है। यानी ये अपने साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड ले जा सकता है, जिससे कि ये लॉयटरिंग म्यूनिशन टारगेट आइडेंटिफिकेशन, इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकॉग्नाइज मिशंस को कर सकता है। इसमें हीट और थर्मोबैरिक वॉरहेड्स भी लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि ट्यूब लॉन्च लॉयटरिंग म्यूनिशन को डिस्पोजेबल ट्यूब लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है, जो कि इसकी वास्तविकता को बढ़ाता है और जो लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज है उन्हें भी कम करता है। यानी कि भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी का पहला ट्यूब लॉन्च लॉयटरिंग म्यूनिशन का परीक्षण होने वाला है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आर्चर एनजी आर्म्ड यूएवी जिसका फैब्रिकेशन शुरू हो चुका है और इसके पहले 3 प्रोटोटाइप्स तैयार हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये यूएवी अब अपने एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। वहीं इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि इस आर्म्ड यूएवी की जो पहली फ्लाइट है वो अगले 3 महीनों में की जाएगी। दरअसल इस प्रोग्राम में दोस्तों जो मुख्य सेंसर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा जो सबसिस्टम्स हैं, उन्हें तापस प्रोग्राम से लिया गया है और 2026 में ये अपने डेवलपमेंटल फेज में पहुंच जाएगा और इसका जो सीरियल प्रोडक्शन है वो 2027 से शुरू होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए, जिसमें गन और मिसाइल का कॉम्बिनेशन होगा और ये सिंगल और डुअल ट्रैक व्हील 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट होगा। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये अलग अलग प्रकार के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, यूएवीज और क्रूज मिसाइल को इंगेज कर सकता है, वो भी 6.5 यानी कि 6.5 किलोमीटर की रेंज में। और इसका लो रडार क्रॉस सेक्शन होगा, 3D एक्विजिशन का फायर कंट्रोल रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम और साथ ही ये फायर कंट्रोल कंप्यूटर से लैस होगा। दरअसल ये सिस्टम मूविंग टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और टारगेट की मूवमेंट के दौरान ये अपनी गन को भी एक्टिव कर देगा और साथ ही मिसाइल को भी दाग सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75i प्रोग्राम को लेकर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट 75i में बिड जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो अगस्त 2023 है और ऐसे में अब स्पैनिश फर्म नवंतिया ने अपनी बिड सबमिट की है P75i प्रोग्राम के तहत, जिसमें कि 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स तैयार की जाएंगी और कहा जा रहा है कि इसकी एस्टिमेटेड लागत $5 बिलियन तक हो सकती है, जो कि एक तरीके से इस कंपटीशन में जर्मनी की थिनस्क्रिप्ट मरीन सिस्टम को एक बड़ी टक्कर देगा। और नवंतिया का मानना है कि वो भारत की लार्सन एंड टूब्रो के साथ कोलैबोरेशन करेगी और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के तहत अपनी 3200 टन की S80+ क्लास सबमरीन का ऑफर किया है, जिसमें कि सी अप्रूवल AIP सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन ये बात अभी साफ नहीं है कि नवंतिया इसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम शामिल करती है या नहीं। दरअसल S80 पनडुब्बी का जो डिजाइन है वो काफी बेहतर है, खासकर कि लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को टॉर्पीडो ट्यूब से दागने के लिए। वहीं दोस्तों स्पैनिश शिप बिल्डिंग कंपनी नवंतिया ने कहा है कि उनकी जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम प्रणाली है वो DRDO द्वारा बनाई गई फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम से काफी ज्यादा एडवांस है, खासकर कि परफॉर्मेंस और स्टेल्थ क्षमता के मामले में। दरअसल नवंतिया का जो AIP सिस्टम है वो बायो एथेनॉल रिफॉर्मर पर आधारित है, जो कि फ्यूल सेल को बिजली देने के लिए हाइड्रोजन को उत्पन्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विस्तारित समर्ज रेंज और इनहांस स्टील क्षमता मिलती है। साथ ही सबमरीन की जो डिटेक्टिबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। दरअसल जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवंतिया ने अपनी S80+ पनडुब्बियों को अपनी उन्नत AIP सिस्टम के साथ पेशकश किया है, ताकि वो भारतीय नौसेना को एक अत्याधुनिक समाधान प्रदान कर सके, जो कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आवश्यकताओं को पूरा करती है। S80+ पनडुब्बी प्लेटफॉर्म और बेस्ट AIP प्रणाली का संयोजन भारतीय नौसेना के लिए एक बेहतरीन विकल्प के रूप में भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि नौसेना पहले ही कह चुकी है कि उन्हें अपने पनडुब्बियों के बेड़े का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO अब एक एडवांस 120 मिलीमीटर की स्मूथ बोर मेन गन को तैयार कर रहा है, जिन्हें की नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक में लगाया जाएगा। दरअसल इस एडवांस 120mm स्मूथ बोर मेन गन में कटिंग एज फीचर्स होंगे, जैसे कि ऑटोनॉमस थ्रेटिंग एंगेजमेंट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल गन स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी फॉर एक्यूरेट टारगेट एंगेजमेंट, इसके अलावा ऑपरेटिंग ब्रीच मैकेनिज्म, थ्रेट बेस्ड एमुनेशन सिलेक्शन इसमें होगा, जो कि टैंक के क्रू मेंबर को दुश्मनों के टारगेट के प्रकार को देखते हुए एमुनेशन चुनने की अनुमति देगा। आपको बता दें कि ये एडवांस टारगेट आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी से लैस होगा और ये नेक्स्ट जनरेशन टैंक दुश्मनों के टारगेट को ऑटोनॉमसली एंगेज कर सकता है और
वो भी हाई प्रिसीजन और एफिशिएंसी के साथ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना का INS कृपाण हैंडओवर होने के लिए वियतनाम पहुंच चुका है, जिसे कि भारत ने गिफ्ट के तौर पर वियतनाम को दिया है। आपको बता दें कि INS कृपाण के पहुंचने के बाद अब जो वियतनामीज पीपल नेवी है यानी कि VPN, अब उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही साथ अभ्यास भी कराया जाएगा। और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जहाज को औपचारिक रूप से जुलाई 2023 के अंत में वियतनामी नौसेना को सौंप दिया जाएगा। और INS कृपाण का वियतनामीज पीपल नेवी में स्थानांतरण वियतनाम की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। दरअसल दोस्तों स्वदेशी निर्मित ये मिसाइल कॉर्वेट अपने उन्नत हथियार और सेंसर से लैस है, जो कि वियतनाम की नौसेना की समुद्री परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों जैसे कि मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया भी था कि नेपाल का बॉर्डर अब भारत के लिए असुरक्षित हो चुका है, और अब इसे लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल यूरोपियन फाउंडेशन स्टडीज ने कहा है कि पाकिस्तान की जो ISI है वो नेपाल को भारत में खालिस्तानी कश्मीरी और पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ साथ अफगान और अरब आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल कर रही है। और काठमांडू में जो पाकिस्तान का दूतावास है वहां पर अब बड़ी संख्या में जो राजनयिक अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, और इनमें से तो कई दोस्तों ISI के एजेंट भी हैं। और इन पाकिस्तानी जासूसों ने दोस्तों भारत और नेपाल के बीच जो वीजा व्यवस्था नहीं है और खुली सीमा है उसका जबरदस्त फायदा उठाया है। और दोस्तों 1980 के दशक से यानी कि 1980s के टाइम से ही पाकिस्तान की एजेंसियों ने अपने जासूसों, इसके अलावा नकली हथियारों और नशीले पदार्थों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए नेपाल सीमा पर कमजोर सुरक्षा का फायदा भी उठाया। जबकि नेपाल और पाकिस्तान के बीच में कोई ज्यादा संबंध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों पाकिस्तानी एयरलाइंस PIA हर हफ्ते दुबई के रास्ते 4 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है। हालांकि इन फ्लाइट्स में औसतन 30 यात्री ही सवार होते हैं। घाटे के बावजूद भी आखिरकार पाकिस्तानी एयरलाइंस इन उड़ानों को क्यों बनाए हुए है ये आप समझ सकते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान के अलावा मैंने आपको बताया था कि चीन के जासूस भी नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे हैं। और इसी साल दोस्तों फरवरी में चाइना का एक नागरिक वांग गेजुआन नेपाल के रास्ते भारत में बिना वैध वीजा के घुसपैठ कर गया। हालांकि वो पकड़ा भी गया, बाद में पता चला वो चाइना का जासूस था। इसके अलावा दोस्तों भारत में बौद्ध बनकर एक चीनी महिला जासूस घुस गई थी, और इस महिला को जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पकड़ा गया था। और यह महिला दोस्तों भारत में डोलमा लामा नामक नेपाली नागरिक के रूप में रह रही थी और अपने आप को बौद्ध होने का दावा कर रही थी, और लेकिन जब पूछताछ की गई तो नेपाली भाषा बोल नहीं पाई। और यह महिला दोस्तों काफी प्रशिक्षित और चालाक है, इसने जांच एजेंसियों तक को भी गुमराह कर दिया और खुद कह दिया कि चीनी कम्युनिस्ट नेता उसे मारना चाहते हैं, और वो भारत भाग आई। अब ये भाग आई दोस्तों जिस तरीके से यह महिला जो पाकिस्तान की आई है प्यार के चक्कर में, इसे भारत को तुरंत भेज देना चाहिए वापस, चाहे कुछ भी हो एक स्ट्रांग मैसेज दिया जाना चाहिए। भले ही इनको कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस महिला ने दोस्तों सारे कानूनों को तोड़कर ये काम किया है। ऐसे तो दोस्तों कोई भी भारत में आ जाएगा नेपाल के रास्ते प्यार का बहाना बना करके। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के जो ISI एजेंट्स हैं वो महिलाओं के रूप में हनी ट्रैप में हमारे जवानों और हमारे अधिकारियों को फंसा रहे हैं। तो ये तो एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने हो गया है। मैं आप सबसे दोस्तों विनती करूंगा कि आप इस महिला को जो ये भारत आई है अपने बच्चों के साथ, इसे वापस भेजने के लिए सरकार को आप कह सकते हैं, बाकायदा इसके लिए आप लेटर लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वहाँ भी आप बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन नहीं है कि इस औरत का भारत में रहना, इसे सख्त कार्रवाई के तहत वापस भेज देना चाहिए, नहीं तो ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और न जाने कैसे कैसे लोग भारत के अंदर घुसकर जिस तरीके से रोहिंग्या आ चुके हैं, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे और मुझे भी पता है कि दिल्ली NCR के क्षेत्र में काफी रोहिंग्या रह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन इसी बात का है कि सख्त संदेश देना जरूरी है, और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा जितने भी लोग हैं वो सरकार पर इस बात को लेकर दबाव भी डाल सकते हैं कि इस पाकिस्तानी महिला को उसके बच्चों के साथ वापस या तो पाकिस्तान या फिर दुबई में जहाँ इसके शौहर रहते हैं वहाँ भेज दिया जाए, और भारत और नेपाल के बीच में जो चौकसी है उसे और बढ़ा देना चाहिए, कड़े नियम वहाँ पर लगा देने चाहिए। दोस्तों अगर इस तरीके की हरकतें चलती रहीं तो आप समझ लीजिए कि भारत को वीज़ा व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी नेपाल के साथ भी। खुली सीमा का फ़ायदा उठा रहे हैं सबके सब, और पाकिस्तान की तो फ्लाइटें बढ़ गई हैं दोस्तों, और पाकिस्तान की एयरलाइन की फ़्लाइटें किस वजह से हफ्ते में 4 बार आ रही हैं, जिसमें केवल 10 से 20 या 30 लोग आ रहे हैं और वो कंटिन्यूसली आ रही हैं। तो बहुत बड़ा गेम प्लान और मास्टर प्लान यहाँ पर शुरू हो चुका है। अब भारत को यहाँ पर वीज़ा व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए, खुले बॉर्डर का इस्तेमाल बंद करना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।